हेलो एवरीवन वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड सो बच्चों अभी हम डिस्कस करेंगे नाइन्थ क्लास सोशल साइंस का एक क्वेश्चन पेपर ये करंट सेशन पी टी वन एग्ज़ाम का पेपर है पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय का और सबसे पहले सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं फर्स्ट इज़ अ लैंडमार्स बाउंडेड बाय सी ऑन थ्री साइड्स इज रेफर टू एज एक लैंड मार्स जो तीन तरफ से सी से बाउंडेड हो जैसे साउथ में इंडिया को अगर आप देखें इधर बे ऑफ बंगाल है नीचे इंडियन ओशन और इधर है अरेबियन सी तो तीन तरफ से समुद्र से घिरे हुए लैंडमार्क्स को हम बोलते हैं पेनन्सुला नेक्स्ट is पिक्चर को देखिए एंड चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द फॉलोइंग options। इस सिंबल का क्या मीनिंग था फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पर उस टाइम क्योंकि मैन और वुमेन ज़्यादा एजुकेटेड नहीं थे पढ़ना लिखना नहीं जानते थे तो सिम्बल्स यूज़ किए जाते थे आपकी बुक में गिवन है देखो ये एन सी आर टी में है ब्रोकन uh, चेन ये दिस स्टैंड्स फॉर द एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री फिर ये बंडल ऑफ रॉड्स ये सिम्बल uh, था यूनिटी का कि एक रॉड को आप इजीली ब्रेक कर सकते हैं एंटायर बंडल को नहीं फिर ये आई विद इन द ट्रांगल रेडिएटिंग लाइट स्टैंड्स फॉर नॉलेज एंड सेप्टर जो क्वेश्चन में गिवन है आपको ये सिंबल था ऑफ रॉयल पावर देन स्नेक बाइटिंग इट्स टेल टू फॉर्म अ रिंग सिम्बल ऑफ इटर्निटी अ रिंग बिकॉज अ रिंग हैज ना इधर बिगनिंग नॉर एंड ओके तो इसमें करेक्ट है डी ऑप्शन द सिम्बल ऑफ रॉयल पावर विच ऑफ द फॉलोइंग डिजन्स वर टेकन बाय द कन्वेंशन कन्वेंशन ने बहुत सारे डिसीजनस दिए जिसमें सबसे सिग्निफिकेंट था कि उसने डिक्लेयर किया फ्रांस को अ रिपब्लिक इन सेवनटीन नाइनटी टू सो डिक्लेयर फ्रांस अ रिपब्लिक हु अमंग द फॉलोइंग प्रपोज द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियोरी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी प्रपोज की थी जीन जैक्स रूसो ने नेक्स्ट असर्शन गिवन है रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट कंसिडर द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी ये ट्रू स्टेटमेंट है डेमोक्रेसी में क्योंकि सभी लोग पार्टिसिपेट नहीं करते कर सकते हैं डिसीजन मेकिंग में तो वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करते हैं वोटिंग के थ्रू फिर वो उनके बिहाफ पर डिसीजंस लेते हैं तो ये सबसे कॉमन फॉर्म है डेमोक्रेसी की रीज़न है कि पीपल इन डेमोक्रेसी कैन सिट टुगेदर एंड टेक डिसीजंस कलेक्टिवली ये पॉसिबल नहीं है इम्प्रैक्टिकल है जहाँ पर बहुत लार्ज पॉपुलेशन हो उनके लिए तो असर्शन ट्रू है लेकिन रीजन फॉल्स है डेमोक्रेसी में सभी लोग साथ में बैठ कर decisions लेंगे ऐसा नहीं होता है तो इसमें करेक्ट है सी ऑप्शन असर्शन इज ट्रू बट रीज़न इज़ फॉल्स नेक्स्ट द हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट इज ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक है महेंद्रगिरी ग्रीन रेवोल्यूशन ने इंट्रोड्यूस किया फार्मर्स को टू द कल्टीवेशन ऑफ कल्टीवेशन ऑफ वीट एंड राइस ग्रेन्स के एच वाई वी सीड्स आ गए थे जिनसे प्रोडक्शन बढ़ी थी मल्टीपल क्रॉपिंग रेफर्स टू मल्टीपल क्रॉपिंग का मतलब है कि एक साल में एक पीस ऑफ लैंड पर एक से ज़्यादा क्रॉप्स को ग्रो करना जिससे कि प्रोडक्शन बढ़े सो कल्टिवेशन ऑफ टू क्रॉप्स इन ऑल्टरनेट रोज कल्ट कल्टिवेटिंग मोर दैन वन क्रॉप ऑन द सेम फील्ड ईच ईयर हर साल सेम फील्ड पर एक से ज़्यादा क्रॉप को कल्टिवेट करना वर्किंग कैपिटल स्टैंड फॉर वर्किंग कैपिटल का मतलब है टूल्स मशीन्स बिल्डिंग्स ये तो फिक्स्ड है वर्किंग कैपिटल मतलब रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड बी ऑप्शन इज करेक्ट नेक्स्ट कंजम्पशन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स इज हाइएस्ट इन विद स्टेट ऑफ इंडिया इंडिया के किस स्टेट में केमिकल फर्टिलाइजर्स सबसे ज़्यादा यूज़ होता है तो हाइएस्ट कंजम्पशन है इसका इन पंजाब ना सेक्शन बी ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एक्सप्लेन द टर्म्स टाइट्स एंड टाइल टाइट्स और टाइल्स ये टैक्सेस थे टाइट लिवाई करता था चर्च सो so, टाइट्स अ टैक्स लिवाइड बाय द चर्च और इसमें वन टेंथ जो प्रोडक्शन है आपका वो आपको चर्च को देना होता था सो इन दिस वन टेंथ ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्शन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस पेड बाई पीजेंट्स एंड पीपल ऑफ थर्ड एस्टेट पीजें एंड अदर मेंबर्स ऑफ मेंबर्स ऑफ थर्ड एस्टेट और टाइल ये डायरेक्ट टैक्स था जो स्टेट को जाता था टाइल डायरेक्ट टैक्स पेड टू द स्टेट ये जितनी लैंड है आपके पास उसके बेसिस पर देना होता था वॉट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ ट्रिब्यूटरी एंड अ डिस्ट्रीब्यूटरी विद एग्जाम्पल आपको डिफ्रेंश करना है ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी में ट्रिब्यूटरी मतलब ये अगर मेन रिवर है कोई रिवर uh, आके कोई स्ट्रीम या रिवर इसमें मिल जाती है कॉन्ट्रीब्यूट करती है इसके जो वाटर का वॉल्यूम है उसको इंक्रीज करती है ये होती है ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी जो आगे जाके इसमें से स्प्लिट होके स्प्लिट uh, होती है कोई रिवर एक लार्ज रिवर में से वो होती है इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी सो ट्रीब्यूटरी इज अ स्ट्रीम और अ रिवर रिवर दैट फ्लोज इनटू अ लार्जर रिवर देन एग्जाम्पल जैसे uh, सोन और गोमती ये ट्रिब्यूटरीज हैं रिवर गंगा की आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ द गंगा देन डिस्ट्रीब्यूटरीज व्हेन अ रिवर अ रिवर स्प्लिट्स इनटू स्मॉलर स्ट्रीम्स छोटी छोटी स्ट्रीम्स में जब वो स्प्लिट हो जाती है देन इट क्रिएट्स तो वो क्रिएट करती है डिस्ट्रीब्यूटरीज एग्जाम्पल डिस्ट्रीब्यूटरी, ब्यूटरीज एग्जाम्पल जैसे हुगली एक डिस्ट्रीब्यूटरी है रिवर गंगा की हुगली रिवर इज अ डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा ओके नेक्स्ट सेक्शन सी इसमें थ्री मार्कर्स हैं तीन क्वेश्चन हैं थ्री थ्री मार्क्स के फर्स्ट इज व्हाट आर द थ्री रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करने की क्या तीन रिक्वायरमेंट्स हैं वो तीन रिक्वायरमेंट्स हैं लैंड थोड़ा सा एक्सप्लेन भी आप करेंगे लैंड लेबर एंड कैपिटल लेबर एंड कैपिटल लैंड मतलब जमीन जिसके ऊपर आप एक्टिविटीज करेंगे क्रॉप्स को ग्रो करेंगे या फिर फैक्ट्रीज बनाएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे लैंड द uh, फिजिकल लोकेशन फिजिकल लोकेशन वेयर इकोनॉमिक एक्टिविटीज एक्टिविटीज टेक्स प्लेस प्लेस लाइक सच एज ग्रोइंग क्रॉप्स या फिर बिल्डिंग फैक्ट्रीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर देन लेबर मतलब लोग जो काम करेंगे द फिजिकल एंड मेंटल एफर्ट्स ऑफ पीपल टू ट्रांसफॉर्म रिसोर्सेज इंटू गुड्स एंड सर्विसेज लेबर मीन्स पीपल टू ट्रांसफॉर्म रॉ मटीरियल इंटू फाइनल प्रोडक्ट मटीरियल्स इंटू फाइनल गुड्स एंड सर्विसेस एंड सर्विसेस एंड देन कैपिटल मतलब जो इन्वेस्टमेंट है आपकी प्रोडक्शन के लिए जैसे टूल्स मशीनरी रॉ मटेरियल्स फाइनेंसेस वाएंगे कैपिटल में कैपिटल मींस इन्वेस्टमेंट द इन्वेस्टमेंट इन टूल्स मशीनरी रॉ मटेरियल्स एट्सेट्रा ओके ये तीन रिक्वायरमेंट्स हैं गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए नेक्स्ट व्हाट इज डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी क्या है डेमोक्रेसी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पर लोगों के पास पावर होती है उनके रूलर्स को चूज करने की इलेक्ट करने की एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी फिर फीचर्स आपको लिखने हैं सो डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल या फिर जो एक फेमस डेफिनेशन है वो आप लिख सकते हैं डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर द पीपल बाई द ऑफ द पीपल फॉर द पीपल एंड बाई द पीपल दैन कुछ फीचर्स लिखने हैं इसके सो so, डेमोक्रेसी में फ़्री और फेयर इलेक्शंस होते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन इलेक्शंस रेगुलर होते हैं ट्रांसपेरेंट होते हैं कॉम्पिटिटिव इलेक्शंस होते हैं दैन रूल ऑफ लॉ यहाँ पर कानून की चलती है लॉ इक्वली अप्लाई होते हैं सभी सिटीजन्स पर दैन uh, सेपरेशन ऑफ पावर्स जो डिफरेंट ब्रांचेज हैं गवर्नमेंट की उनकी डिफरेंट पावर्स होती है जैसे लेजिसलेचर रूल्स को बनाएंगे लॉज बनाएंगे एग्जीक्यूटिव उन्हें एग्जीक्यूट करेंगे और जुडिशरी चेक करेंगे कि सभी लोग उनको फॉलो करें देन डेमोक्रेसी में मेजॉरिटी रूल करती है मेजॉरिटी रूल एंड जबकि जो राइट्स uh, हैं वो माइनॉरिटी के भी मतलब कोई भी डिसीजन वो माइनॉरिटी के अगेंस्ट नहीं लेंगी एंड ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट होती है इसमें गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंट होती, होती है अकाउंटेबल होती है इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है इंडिपेंडेंट जुडिशरी ओके नेक्स्ट नाउ स्टेट द इवेंट्स दैट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ नेशनल असेंबली फ्रांस में नेशनल नाश, असेंबली बनी थी जब फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ उसके बिगनिंग में ही इन सेवनटीन एटी नाइन तो इवेंट्स आपको बताने हैं जिनके होने के बाद नेशनल असेंबली बनी सो फर्स्ट इज स्टोमिंग एट द बेस्टील वहाँ की जो प्रिजन थी स्टोमिंग जेल थी बेस्टील ऑफ द बेस्टील इन जुलाई 14 ऑन जुलाई 14 इन नाइनटीन सेवन नाइनटीन एटी नाइन ये बिगनिंग थी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन जिसकी जिसके, जिसके बाद जो पावर है वो ट्रांसफ़र हुई फ्रॉम मोनाके टू तो द दे पीपल देन फेलियर ऑफ एस्टेट जनरल फेलियर ऑफ एस्टेट जनरल जो वहाँ के किंग थे लुई द सिक्सटीन उन्होंने एस्टेट जनरल को एड्रेस किया फ्रांस के इकोनॉमिक क्राइसिस uh, के लिए लेकिन जो तीनों एस्टेट्स थे वो अग्री नहीं हो पाए ऑन हाउ टू वोट की वोटिंग कैसे होगी और ये मीटिंग फेल हो गई उसके बाद जो थर्ड एस्टेट के मेंबर्स थे दे वॉकड आउट ऑफ असेंबली और एंड दे प्रोटेस्ट सो थर्ड थर्ड एस्टेट वॉकआउट और फिर उन्होंने फॉर्म की uh, एक नेशनल असेंबली देन द थर्ड वॉक वॉकआउट थर्ड एस्टेट असेंबली फिर थर्ड एस्टेट के जो लोग थे मेंबर्स थे वो असेंबल हुए वर्साई में असेंबली एंड डिक्लेयर दैमसेल्व द नेशनल असम्बली ओके थोड़ा सा एक्सप्लेन इनको कर देंगे फर्स्ट इवेंट वॉज स्टॉमिंग एट द बेस्टील बेस्टील इन ऑन जुलाई फोर्टीन नाइनटीन एटी नाइन दैन फेलियर ऑफ एस्टेट जनरल इन सेवनटीन एटी नाइन लुई द सिक्सटीन कॉल जनरल एस्टेट जनरल टू एड्रेस फ्रांस इकोनॉमिक क्राइसिस बट द थ्री एस्टेट्स कूडंट अग्री ऑन हाउ टू वोट एंड द मीटिंग फील्ड दैन थर्ड एस्टेट वॉकआउट वो चले जाते हैं वहाँ से जो स्टेट जनरल मीटिंग बुलाई थी किंग ने एंड देन उसके बाद वो असेंबल होते हैं इकट्ठे होते हैं एक टेनिस हॉल uh, में कोर्ट में इन वर्साई एंड डिक्लेयर देमसेल्फ सेल्फ द नेशनल असेंबली ओके नेक्स्ट नाउ सेक्शन सी केस बेस्ड क्वेश्चंस पैराग्राफ की वन है रीड करना है क्वेश्चंस को आंसर करना है इन पाकिस्तान जनरल परवेज मुशर्रफ लेड अ मिलिट्री कूप इन अक्टूबर 1999 ही ओवर थ्रू और डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को उसने ओवर थ्रो किया और अपने आप को डिकलेयर कर दिया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री बाद में उसने चेंज किया डेजिग्नेशन ख़ुद को प्रेजिडेंट बनाया टू में ही हेल्ड अ रेफरेंडम इन द कंट्री रेफरेंडम मतलब सब लोगों से किसी डिसीजन के बारे में पूछना कि वो अग्री करते हैं या डिसअग्री करते हैं जिसने उसे ग्रांट किया फ़ाइव ईयर एक्सटेंशन पाकिस्तानी मीडिया ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेमोक्रेटिक डेमोक्रेस डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट ये कहते हैं कि वो जो रेफरेंडम था वो माल प्रैक्टिस पर बेस्ड था और फ्रॉड था अक्टूबर अगस्त 2002 में ही इशूड उन्होंने उसने इशू किया एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर जिसने अमेंड किया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग द प्रेजिडेंट प्रेजिडेंट डिसमिस कर सकता था नेशनल और प्रोविन्शल असम्बलीज को द वर्क ऑफ सिविलियन कैबिनेट इज सुपरवाइज बाई नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल हु इज़ डोमनेटेड बाई मिलट्री ऑफिसर्स ये लॉ पास होने के बाद इलेक्शंस हुए टू द नैशनल एंड प्रोविशल असम्बलीज सो पाकिस्तानस वहाँ पर इलेक्शन्स हुए इलेक्टेड जो रिप्रजेंटेटिव थे उनके पास कुछ पावर्स थी लेकिन फाइनल जो पावर थी वो मिलट्री ऑफिसर्स और जनरल मुशर्रफ़ के पास थी क्लियरली uh, बहुत सारे रीजन्स हैं बाई पाकिस्तान अंडर जनरल मुशर्रफ शुड नाट बी कॉल्ड कि उसे एक डेमोक्रेसी नहीं कहा जाना चाहिए लोगों के पास पावर थी उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करने के लिए टू द नेशनल प्रोविंशियल असम्बलीज़ लेकिन जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो एक्चुअली में रूलर्स नहीं थे वो फाइनल डिसीजंस नहीं ले सकते थे द पावर टू टेक फाइनल डिसीजन वो आर्मी ऑफिशल्स और जनरल मशरिय रिपीटेड पैराग्राफ है देन रिपीटेड लाइन्स हैं क्लियरली फिर से रिपीट नेशनल ओके दिस हैपन इन मैनी बहुत सारी डिक्टेटरशिप में ऐसा हुआ है एंड uh, मोनाकीज में दे फाइनली हैव एन इलेक्टेड पार्लियामेंट एंड गवर्नमेंट बट द रियल पावर इज़ विद हु आर नॉट इलेक्टेड लोग इलेक्टेड इलेक्ट elect करते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स को लेकिन पावर उनके पास होती है जिनको इलेक्ट नहीं किया गया है कुछ कंट्रीज में रियल पावर्स वॉज विद सम एक्सटर्नल पावर्स एंड नॉट लोकली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव दिस के नॉट बी कॉल्ड पीपल्स रूल ओके अब एम सी क्यूज हैं वॉट इज द मीनिंग ऑफ रेफरेंडम रेफरेंडम का क्या मतलब है डायरेक्ट वोट जिसमें एंटायर इलेक्ट्रेट मतलब जितने भी लोग वोट कर सकते हैं उनसे पूछा जाता है आइदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट अ पर्टिकुलर प्रपोजल यही होता है रेफरेंडम ये ऑप्शन ही सही है इन द क्वेश्चन गिवन बिलो देर आर टू स्टेटमेंट अच्छा असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन हैं असर्शन है पाकिस्तान नॉट कंसिडर्ड ए डेमोक्रेटिक कंट्री इवन आफ्टर हैविंग इलेक्शन वहाँ पर इलेक्शंस हुए नेशनल असेंबली और प्रोविशल असम्बलीज के लेकिन फिर भी उसको हम डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कह सकते ट्रू स्टेटमेंट है डिस्पाइट इलेक्शन टू नेशनल एंड प्रोविशल असेंबली इज़ द फाइनल पावर क्योंकि जनरल मुशर्रफ और मिलिट्री ऑफिसर्स के पास थी ये भी ट्रू है और रीजन करेक्टली एक्सप्लेन भी करता है असरशन को सो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए एप्शन करेक्ट है इसमें नेक्स्ट After the passage of blank, elections were held to the national and state assemblies. After the uh, elections हुए? after the passing of this law. Which law? According to this order, legal framework framework order. Elections C option is correct. Does the given source explain the significance of which फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी डज द गिवन सोर्स एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ विच फीचर ऑफ डेमोक्रेसी डज द गिवन सोर्स एक्सप्लेन द सिग्नीफिकेंस सिग्निफिकेंस ऑफ फ्यूचर चलो ठीक है देखते हैं डेमोक्रेसी मस्ट बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन तो बिल्कुल सही है डेमोक्रेसी में फ्री और फेयर इलेक्शंस होने चाहिए डेमोक्रेसी में फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर उन लोगों के पास होनी चाहिए जिन्हें लोगों ने इलेक्ट किया है उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के पास ये भी सही है डेमोक्रेसी में हर एडल्ट सिटीजन के पास एक वोट होना चाहिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो में जो रूलर्स हैं लिमिट्स रूल्स विद इन लिमिट वो रूल करते हैं और जो लिमिट है वो कॉन्स्टिट्यूशन लॉज और सिटीजन्स राइट right उनको सेट करते हैं चारों ही इसमें सही है क्वेश्चन का सेंस इसमें थोड़ा क्लियर नहीं है इसको आप हाँ देख लेंगे ना सेक्शन डी इसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हैं पाँच नंबर के दो क्वेश्चन हैं ऑप्शन हैं दोनों में ही डिस्क्राइब करिए द सर्कम लीडिंग टू दी आउट ब्रेक ऑफ रिवोल्यूशनरी प्रोटेस्ट इन फ्रांस फ्रांस में जो रिवोल्यूशनरी प्रोटेस्ट हुए उन उनके क्या सर्कम थे रीजन्स बेसिकली आपको बताने हैं तो सबसे पहले तो जो इनक्वालिटी थी फ्रेंच सोसाइटी में तीन इस्टेट में वो डिवाइडेड थी और थर्ड एस्टेट के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था टैक्स उनको पे करना होता था और उनके पास जो पॉलिटिकल पावर थी वो भी बहुत लिमिटेड थी और जबकि फर्स्ट और सेकेंड एस्टेट के जो लोग थे सोशल इनक्वालिटी उनको बाई बर्थ ही बहुत सारे बहुत सारी प्रिवलेजेज मिलती थी इन इक्वालिटी सो सभी पॉइंट्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन आपको करना होगा मैं बोल देती हूँ लेकर लेना सो फ्रेंड सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इन टू थ्री एस्टेट्स द फर्स्ट स्टेट फर्स्ट एस्टेट जो कि थी क्लर्गी बोलते थे इसको सेकेंड एस्टेट नोबिलिटी एंड देन थर्ड एस्टेट थर्ड एस्टेट जिसमें कॉमन पीपल थे थर्ड एस्टेट एंड फर्स्ट एंड सेकेंड एस्टेट हेज़ मैनी प्रिवेलेज जबकि जो थर्ड एस्टेट थी ऑफ कॉमन पीपल दे हैड टू पे हेवी टैक्सेस एंड हैड लिटिल पॉलिटिकल पावर तो इनमें एक रिजेंटमेंट की फीलिंग थी ये लोग खुश नहीं थे सेकेंड इकनॉमिक प्रॉब्लम बहुत सारा डेट हो गया था इकोनॉमिक प्रॉब्लम लंबे वॉर के बाद जो फाइनेंशियल रिसोर्स थे फ्रांस के वो ड्रेन हो चुके थे तो फ्रांस वॉज इन डीप डेट डेट ड्यू टू एक्सपेंसिव वॉर्स एंड लाविश स्पेंडिंग ऑफ किंग लुई द सिक्सटीन एंड जब डेट था तो इसके लिए क्या किया गया कि जो थर्ड एस्टेट के लोग थे उनका टैक्स इंक्रीज कर दिया गया द कॉमन पीपल फेस हाई टैक्सेस एंड राइजिंग प्राइजिज फॉर फूड स्पेशली ब्रेड एंड देन पुअर हारवेस्ट हुआ जो बैड वेदर की वजह से जो फसल है वो भी कम हुई पुअर हारवेस्ट जिसकी वजह से और ज़्यादा प्राइजेज इंक्रीज हो गए हार्वेस्ट बैड वेदर लेट टू पुअर हारवेस्ट कॉजिंग फूड शॉर्टेज एंड हाई प्राइजेज तो जो थर्ड एस्टेट के लोग थे हारवेस्ट कम हुआ ऊपर इनकम कम है ऊपर से जो चीज़ें असेंशल है उनके प्राइजेज इतने हाई है ऊपर से टैक्स भी उनको हाई देना पड़ रहा है तो पूरा जो बर्डन था वो थर्ड स्टेट के लोगों पर था एंड फिर इस टाइम पर बहुत सारे जो एनलाइटमेंट आइडियाज़ एंड एनलाइटमेंट आइडियाज़ बहुत सारे थिंकर्स आए जिन्होंने लिबर्टी डेमोक्रेसी इक्वालिटी लिबर्टी डेमोक्रेसी सी एंड इक्वालिटी इन सब के आइडियाज़ को स्प्रेड किया न सेवनटीन एटी नाइन में जो वहाँ के किंग थे लुइ दिक्सटीन उन्होंने एस्टेट जनरल मीटिंग बुलाई नंबर पॉइंट नंबर फोर एस्टेट्स जनरल मीटिंग ये जो मीटिंग थी इसमें फाइनेंशियल क्राइसिस के इशू को एड्रेस करने के लिए बुलाई गई थी लेकिन इसमें जो थर्ड एस्टेट के मेम्बर्स थे वो बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड थे जो अनफेयर वोटिंग सिस्टम था उसकी वजह से तो ये वॉकआउट कर जाते हैं यहाँ से और फिर फॉर्म करते हैं नेशनल असेंबली देन पॉइंट न इसमें आप एक्सप्लेन करेंगे दैट इन 1789 किंग लुई द दिक्सटीन कॉल्ड अ मीटिंग ऑफ द स्टेट जनरल्स टू एड्रेस द फाइनेंशियल क्राइसिस एंड द थर्ड स्टेट वाज फ्रस्ट्रेटेड विद द अनफेयर वोटिंग सिस्टम वेयर ईच एस्टेट हैड वन वोट सबको एक वोट मिलता था फर्स्ट और सेकेंड इस्टेट के जो मेम्बर्स थे वो ज़्यादा थे तो वो हमेशा उनको आउट वोट कर देते थे सो वेयर वेयर द वेयर ईच एस्टेट हैज़ वन वोट एंड एज दे वर ऑफन Outvoted by first and second estate, then they walked out of this uh, meeting and formed number five formation of National Assembly. Assembly, and uh, then the third estate declared itself the National Assembly and write a new constitution for France. Okay, next is. कंपेयर द पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशन ऑफ़ फ्रांस बिफोर एंड आफ्टर द रेवोल्यूशन पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड सोशल फ्रांस फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले और बाद में क्या चेंजेस हुए पॉलिटिकल कंडीशन में सोशल कंडीशन में और इकनॉमिक uh, कंडीशन में सो so, पहले पॉलिटिकल कंडीशन को अगर हम देखें बिफोर दो पॉइंट इसमें आप लिखेंगे बिफोर रेवोल्यूशन फ्रेंच रेवोल्यूशन के पहले uh, जो फ्रांस में एबसल्यूट मना थी एब्सोल्यूट मोनार्की जहाँ पर किंग uh, के पास सभी पावर थी द किंग हैड ऑल द पावर्स द पावर्स जो uh, तीन एस्टेट थे सभी मेंबर्स के पास एक वोट था जिसमें जो थर्ड एस्टेट था दे हैड नो से इन द गवर्नमेंट क्योंकि वो हमेशा आउटवोट हो जाते थे फर्स्ट और सेकेंड एस्टेट के जो मेंबर्स थे उनके सामने देन उसके बाद हम लिखेंगे आफ्टर द रेवोल्यूशन आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन मोनार्की वॉज अबॉलिश्ड मोनार्की वॉज अबॉलिश्ड और फ्रांस को डिक्लेयर किया गया रिपब्लिक फ्रांस बिकेम रिपब्लिक विद इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स अब मोनार्क नहीं था किंग नहीं था रिपब्लिक लोग इलेक्ट करेंगे रिपब्लिक विद लेक्टेड रिप्रजेंटेटिवस और उनके जो रिप्रजेंटेटिवस हैं वो रूलर होंगे प्रजेंटेटिवस ओके ये पॉलिटिकल चेंजेस थे बिफोर एंड आफ्टर देन इकनॉमिक चेंजेस फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले बहुत सारा डेट था फ्रांस uh, के ऊपर इकनॉमिक चेंजेस सो बिफोर फ्रेंच रेवोल्यूशन द कंट्री वॉज इन ग्रेट डेट वॉज इन डीप डेट कंट्री was in deep debt due to due to expensive wars and lavish spending by the king by the king जहाँ पर third estate के लोगों को tax pay करना पड़ता था और first और second clergy और nobility को कोई भी tax नहीं देना होता था ये भी इसमें लिख देंगे इकोनॉमिक कंडीशन में ही आएगा द थर्ड एस्टेट एस्टेट पेड हैवी टैक्सेस टैक्सेस वाइल द नोबल्स एंड क्लर्गी पेड लिटिल टू नो टू नन एंड देन हाई फूड प्राइजेस बहुत हाई हो गए थे प्राइजेस एंड पुअर हार्वेस्ट हार्वेस्ट मेड लाइफ डिफिकल्ट

वर अबॉलिश और सभी सिटीजन्स अब इक्वल थे टू लॉज और टैक्सेस सबके लिए इक्वल थे एंड ऑल सिटीजन्स वर सब्जेक्ट टू द सेम लॉज एंड टैक्सेस ऑल सिटीजन्स वर सब्जेक्ट टू सेम लॉज एंड टैक्सेस फिर स्टेट ने यानी कि गवर्नमेंट ने जो चर्चेस थे उनको टेक ओवर किया और उनको सोल्ड uh, कर दिया डेट को पे करने के लिए देन द स्टेट टुक ओवर द चर्च लैंड लैंड पहले जो चर्च था वो भी टैक्स लिवाई किया करता था चर्च लैंड को टेक ओवर किया एंड सोल्ड देम टू पे ऑफ द डेट तो एफर्ट्स किए गए टू Uh, stabilize the economy and to reduce the debt. Then, economic, political, and and social condition. Then social condition before French Revolution. Before society, three parts were divided. Thi. Society was divided divided into three estates: uh, the clergy, first estate; the nobility, second estate; and the common people, third estate. Yek bar bar I point. जो थर्ड स्टेट के लोग थे दे फेस्ड इन इक्वालिटी फेस्ड इन इक्वालिटी एंड द बर्डन ऑफ टैक्सेस बर्डन ऑफ टैक्सेस बहुत वाइड स्प्रेड हंगर और पॉवर्टी थी देयर वाज वाइड स्प्रेड पॉवर्टी एंड हंगर अमंग कॉमन पीपल

जो आइडिया था ऑफ लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी स्प्रेड लीडिंग टू मोर सोशल जस्टिस देन एजुकेशन एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज बिकेम मोर एक्सेसिबल टू द कॉमन पीपल ओके नेक्स्ट नाउ नेक्स्ट इज डिस्टिंग्विश बिटवीन वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स में डिफ्रेंसेज बताने हैं वेस्टर्न घाट्स ईस्टर्न घाट्स अगर ये साउथ में आप देखें इंडिया को ईस्टर्न पार्ट है तो यहां पर ईस्टर्न घाट्स से ये वेस्ट में यहां पर वेस्टर्न घाट्स से। सो वेस्टर्न घाट्स रन्स पैरेलल टू रन्स पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन कोस्टल प्लेन के पैरेलल ये है और यह ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के पैरेलल दे रन्स पैरेलल टू द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, दैन जो वेस्टर्न घाट्स हैं ये ज़्यादा कॉन्टीन्यूस हैं दीज घाट्स आर कॉन्टीन्यूस न्यूअस, तो इनको जो पासेज हैं सिर्फ उनसे ही आप क्रॉस कर सकते हैं कैन बी क्रॉस ये नेक्स्ट पॉइंट भी आप बना सकते हैं थ्रू पासिसनली पासेज ओनली और ये ईस्टर्न घाट्स इरेगुलर है डिसकॉन्टीन्यूस

Next point, they have a higher elevation of uh, 900 to 1600 meters, or they have lower elevation of about 600 meters. Meters. Then Western Guards face Arabian Sea. Instead of Arabian Sea, then Eastern Guards face Bay of Bengal. ये भी डिफरेंस हो सकता है वेस्टर्न घाट्स फेस अरेबियन सी एंड ईस्टर्न घाट्स फेस बे ऑफ बंगाल हाइस्ट पीक इनकी आप लिख सकते हैं दोनों की क्या है बे ऑफ बंगाल डिफरेंसेस में दैन वेस्टर्न घाट्स के में बारिश ज़्यादा होती है ये एक तरीके से uh, जो यहाँ से साउथ वेस्ट विंड हैं उनके लिए बैरियर की तरह काम करते हैं तो यहाँ पर बारिश ज्यादा होगी और जो ईस्टर्न घाट्स हैं वो रेन शेडो रीजन में हैं तो ईस्टर्न घाट्स एक्ट अ क्लाइमेटिक बैरियर टू द साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स विंड्स एंड ईस्टर्न घाट्स दे आर इन रेन शार्डो रीजन शार्डो रीजन या फिर सिर्फ रेन का आप लिख सकते हैं कि वेस्टर्न घाट्स में uh, जो समर्स के टाइम पर मॉनसून विंड्स की वजह से ज़्यादा बारिश होती है ये जो एरिया है वो हॉट और मॉइस्ट रहता है जबकि ईस्टर्न घाट्स में यहाँ पर कम बारिश होती है हेयर द रेन इज लेसर दैन द वेस्टर्न स्ट्रिप ओके नेक्स्ट कोई भी पांच आप लिख देंगे अब इसके और में क्वेश्चन है व्हाट आर द मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया एक्सप्लेन द हिमालयन माउंटेन्स एंड नॉर्दर्न प्लेन्स इंडिया के मेन फिजियोग्राफिक ये है मेन फिजियोग्राफिक डिवीजन फर्स्ट ये है नॉर्दर्न माउंटेन्स कलर से ब्राउन कलर से जो शो किया गया है यहां पर देन सेकेंड ये है नॉर्दर्न प्लेन्स नंबर टू पिक्चर नहीं आपको ड्रॉ करनी है बस इन छः के नाम आप लिखेंगे देन थार डेजर्ट नंबर थ्री देन नंबर फोर पेनिनसुलर प्लेटू रीजन ये पूरा प्लेटू रीजन देन कोस्टल प्लेन्स ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स ये आइलैंड्स देन माउंटेन्स को और नॉर्दर्न प्लेन्स को आपको एक्सप्लेन भी करना था छः के नाम लिखने के बाद सो so, जो माउंटेन सिस्टम है हिमालय का इंडिया uh, का जो नॉर्दर्न के जो नॉर्दर्न माउंटेन्स हैं दे आर वेरी यूथफुल यंग माउंटेन्स हैं यूथफुल बहुत हाई पीक्स यहाँ पर है विद हाई पीक्स डीप वैलीज हैं डीप वैलीज एंड फास्ट फ्लोइंग रिवर्स और जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं ये जो अलूवियल डिपॉजिट्स हैं मेन थ्री रिवर्स के उनसे बनते हैं The northern plains are formed with the alluvial deposits of northern plains. Deposits of rivers flowing in northern plains. Okay, next. Now section e map based questions. Locate and label any three of the following in outline map of India. छह में से किन्हीं तीन को locate करना है. लक्षद्वीप आइलैंड्स ये तो easy है यहाँ पर ये है लक्षद्वीप आइलैंड्स आंसर नंबर ए देन द इंडियन डेजर्ट थार्ड डेजर्ट यहाँ पर है ये इंडियन डेजर्ट नंबर बी आंसर ये पॉलिटिकल मैप होता तो ज़्यादा क्लियर होता थोड़ा सा ऐसे ही आप कर देंगे यहाँ पर ही लिख देंगे फिर सिंपल बी नेक्स्ट नेक्स्ट इज कोरोमंडल कोस्ट ये जो ईस्टर्न कोस्ट और वेस्टर्न कोस्ट हैं इनको डिवाइड किया गया है जैसे ईस्टर्न में ये है नॉर्दर्न सरकार्स और यहाँ पर नीचे है कोरोमंडल कोस्ट वेस्टर्न uh, कोस्ट में ये कोंकण कोस्ट देन कन्नड़ कोस्ट एंड मालाबार कोस्ट तो आपको uh, कोरोमंडल कोस्ट बताना है ये हो जाएगा पूरा कोरोमंडल कोस्ट कोरोमंडल कोस्ट नेक्स्ट नेक्स्ट इज सुंदरबन डेल्टा यहाँ नीचे वेस्ट बंगाल में यहाँ पर होगा सुंदरबन डेल्टा एंड देन कंचन जंगा पीक ये है सिक्किम में यहाँ है ये कंचन जंगा पीक आंसर नंबर ई ओके दैट्स ऑल स्टूडेंट्स ये था क्लास नाइन सोशल साइंस का एक क्वेश्चन पेपर थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग